अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ झटपट सा चटखारेदार पिनव्हील्स बाइट। हमें चाहिए एक कप मैदा और इसमें मैं 1 टीस्पून जितना नमक, 1/2 कप तेल, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैदे में मैंने तेल और नमक शामिल कर दिया, अब मैं इसको गूंद रही हूँ। ये देखें मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है तेल इसमें जब्त हो गया। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी। इसको ज्यादा नरम नहीं रखना है, सख्त रखना है। ये देखिए आटा हमारा अच्छी तरह गूंद गया, ये ज़्यादा नरम भी नहीं है, देखिए कैसे इतना होना चाहिए। अब इसको मैं 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस पैन में 2 टेबल स्पून जितना तेल डालूँगी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, ये हरी मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। ये हरी प्याज बारीक काट ली थी इसको मैंने, 4 से 5 अदद हरी प्याज। आलू बारीक चॉप कर लिए थे मैंने इसको, ये 2 अदद दरमियान साइज के आलू है, इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये मसाले जो मैं इसमें शामिल करूँगी, ये 1 टेबल स्पून भून के मैंने ज़ीरा इसको बारीक कूट लिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हल्दी ज़रूरत मैंने 1 टीस्पून लिया। ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल करती हूँ। बस इसको 2 मिनट पकाना है। ये हरा धनिया मैंने बारीक चॉप कर लिया था 1 टेबल स्पून जितना। ये मसाला हमारा रेडी हो गया, अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ये मसाला रेडी है हमारा, अब इसको मैंने ठंडा कर लिया था, अभी इसको मैं एक साइड पे रख लूँगी। ये 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, अब इसका पतला बैटर बना लेंगे। इसको गाढ़ा नहीं करना, पतला बनाना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये रेडी है। इसको इतना पतला रखना है कि ये टपक जाए। ये देखिए हमारा डो कितना अच्छा सॉफ्ट सा तैयार है। ये देखिए ज़्यादा नरम भी नहीं है, सख्त है। अब इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी बस। अब मैं इसकी रोटी भेज रही हूँ, इसी में रोटी बना लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, इसमें आटा खुश्क आटा बिल्कुल नहीं लगाना है। ये देखिए चिपक भी नहीं रहा। ये देखिए बस हमारी रोटी तैयार है, ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब इसमें मैं अभी आलू की स्टफिंग करूँगी मैं इसमें।
अच्छी तरह मिला दूंगी इसको। ये देखिए मैंने आलू की स्टफिंग कर ली है, अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता रोल करूंगी, अच्छी तरह दबा लेना है। ये देखिए मैं बस इसको इस तरह में अच्छी तरह, ये अब ये आखिर में मैंने थोड़ा सा खुला रखा है, अब इसमें थोड़ा सा आटे की लाई लगाऊंगी ताकि ये चिपक जाए। ये देखिए व्यूअर्स हमारा रोल रेडी है, अब इसको मैं काटूंगी आहिस्ता। इसको तेज छुरी से काटना है, ये देखिए व्यूअर्स दोनों साइडों से। अब मैं इसको हल्का सा इसको प्रेस करूंगी, हल्का सा ऐसे, तो सारे में इसी तरह कर लूंगी। तेल गरम, अभी हमारा तेल गरम हो गया। इन सबको जो मैंने बनाया था, इन सबको मैदे की लई में मैं इसको कोट करके एक एक करके इसको फ्राई करूँगी। अब सारी इसी तरह लई में कोट करके तो मैं इसको फ्राई करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स मैंने सारे डाल दिए, अब इसको नीचे से ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं पलटूंगी। ये देखिए व्यूअर्स ये हमारे तैयार है, कितना अच्छा कलर आया है। अब ये हमारे रेडी हो गए, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें व्यूअर्स हमारे क्रिस्पी क्रंची पिनविस बाय रेडी हैं, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।